देखिए कह रहे हैं वेक्टर सच एज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडर गोइंग यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इट्सेल्फ एंड अप्लाइड टू एनी पॉइंट इज नोन एज, तो आंसर हो जाएगा फ्री वेक्टर। फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स मे बी रिटन एज डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, वेयर डेल यू इज द इंक्रीज इन इंटेंसिटी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्यू इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज द एक्सटर्नल वर्डन ऑन द सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो डेल यू इक्वल टू जीरो। फिर बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एड्रेस इज मूव बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द वर्डन बाय द फोर्स। देखिए बड़ा ही अच्छा फार्मूला है, जब भी वी आई ज़ीरो होता है तो वर्डन और काइनेटिक एनर्जी ना सिर्फ बराबर होती है, इसका एक फार्मूला होता है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m। तो जनाब एफ कितना दिया हुआ है बच्चों आपको, 2 का स्क्वायर ले लें, टी दिया है 10 सेकेंड उसका स्क्वायर ले लें 2। हाँ जी एम कितना है मेरे भाई, एम 5 है। तो देखो ये टेन कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 टेन्स आंसर हो जाएगा बच्चों इसका 40। ठीक है 40 जूल इज योर।